नमस्कार, सिल्क टीवी के साथ मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वट सावित्री पूजन को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह। वट वृक्ष में कच्चा धागा बांध पति के दीर्घायु होने की कामना। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार। पति के साथ रहने की जताई इच्छा। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भागलपुर से पहली बार रवाना हुई विक्रमशिला एक्सप्रेस। यात्रियों में दिखा उत्साह। बांका के बौसी में नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव का हुआ नागरिक अभिनंदन। विकास को बताया प्राथमिकता। और भागलपुर के डीआरडीए सभागार में प्रधान लिपिकों की हुई समीक्षा बैठक। सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। वट सावित्री पूजन के अवसर पर सोमवार को भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा की। अपने पति के दीर्घायु होने के लिए ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। पूजन के पूर्व महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार के साथ सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे फल पकवान और पूजन सामग्री से भरे बांस के डलिया और पंखा रख कर पूजा अर्चना की। इसके बाद महिलाओं ने कच्चा धागा बांधकर परिक्रमा किया और अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ पति की दीर्घायु होने की कामना की। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। वट सावित्री सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ी हुई है। भागलपुर के आदमपुर, मिर्जानहाट, खंजरपुर समेत तमाम जगहों पर वट वृक्ष और मंदिर परिसर में सुहागिन महिलाओं ने पूरी निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की। वहीं नव विवाहिताओं के लिए इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए, ये जो वट सावित्री व्रत पूजा करते हैं हम लोग, ये हम अपने पति के लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और ये जो है सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, निभा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर स्त्रियों को करना चाहिए ताकि जो उनका जीवन जो है वैवाहिक जीवन सुखी सम्पन्न रहे। कहलगांव अनुमंडल के विभिन्न गांवों में पति की लंबी आयु और अटल सुहाग के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजन किया। सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कर कच्चे धागे के साथ परिक्रमा की और सुख समृद्धि के साथ पति के दीर्घायु होने की कामना की। सुबह से ही सुहागिनों की टोली वट वृक्ष के समक्ष उमर पड़ी और सबों ने भक्ति में माहौल में पूजा अर्चना की और अपना निर्जला व्रत खोला। आचार्य नयन तिवारी ने कहा कि यह पर्व पति के दीर्घायु होने के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी के नीचे हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव निवास करते हैं और इसलिए सुहागिन महिलाएं इसकी पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत हम लोग अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करते हैं। वट वृक्ष के नीचे जाके हम लोग पूजा पाठ करके पति की लंबी उम्र की कामना की दुआ करते हैं। वहीं बांका में वट सावित्री पूजन को लेकर जगह जगह वट वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं की भीड़ जुटी रही। चांदन भय हरणनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने वट वृक्ष की पूजा कर कच्चे धागे से वृक्ष का फेरा लगाया और पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद महिला ने डीआईजी विकास वैभव को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी शादी एक वर्ष पूर्व भागलपुर डीआरडीए में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात वारसलीगंज निवासी सुमित कुमार शाह से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही महिला को दहेज के लिए ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई थी, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्ष को समझौता कर लेने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना कम नहीं हुआ तो न्याय की गुहार लगाने महिला डीआईजी के पास पहुंच गई। बहरहाल डीआईजी ने आवेदन लेकर बबरगंज थाना को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी, मैं उनसे बोली कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से न्याय चाहिए और मुझे अपने हस्बैंड के ही साथ रहना है। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जरूर से पूरी तरीके से कोशिश करूंगा और वो कर भी रहे हैं। उनके बड़े वाले जिया जी का तो घट्टा चौक पे है और शायद उन्हीं का सारा सब कुछ है, वही सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, बट वो लोग अभी तक कुछ मालूम होने नहीं दे रहे हैं कुछ। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भागलपुर से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। सोमवार को भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रवाना हुई और ऐसा पहली बार हुआ जब भागलपुर से विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ हुआ। इस अवसर पर रेलवे के
अधिकारी व कर्मी उत्साहित दिखे। भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल विक्रमशिला एक्सप्रेस ही इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रवाना होगी और आने वाले समय में सरकार और रेलवे बोर्ड के निर्देश पर लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन भी इलेक्ट्रिक इंजन से होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक इंजन लगाने के बाद अब क्यूल रेल स्टेशन पर इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन रवानगी से पूर्व स्टेशन पर यात्रियों के साथ आम लोगों की भीड़ जुटी रही। लोग पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन देखने भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। बांका लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव का बांका के सीएमडी परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में फूलों की माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया गया और उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारा भी लगाया। इस दौरान सांसद गिरधारी यादव ने भारी अंतर से जीत के लिए बांका की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बांका का सर्वांगीण विकास करने की है। उन्होंने कहा कि बांका में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए कई स्कूल कॉलेज खोलने के साथ किसान और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि बांका में पेयजल की समस्या को देखते हुए जल्द ही पंप हाउस का निर्माण कराया जाएगा। वहीं अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी ने मंत्री और सांसद से बौसी के पुराने अस्पताल को राजकीय अस्पताल का दर्जा दिलाने की मांग की। समारोह में महिला आयोग की सदस्य निक्की हेम्ब्रम, भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल और लोजपा जिला अध्यक्ष बेबी यादव समेत काफी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद थे। भागलपुर डीआरडीए सभागार में सभी विभाग के जिला स्तरीय प्रधान लिपिक की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में सहायक प्रशासी पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद मंडल ने सभी प्रधान लिपिकों को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान अविलंब करने और CWJC से संबंधित सभी लंबित वादों का निष्पादन समय पर करने का निर्देश दिया। इस दौरान बैठक में अनुपस्थित पाए जाने वाले 22 कार्यालय के प्रधान लिपिकों का एक दिन का वेतन स्थगित करने और समान रोकड़ वही रोकने, उप रोकड़ वही एवं राशि के ब्यौरा की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी 20 प्रधान लिपिकों से स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि जब तक सेवांत लाभ का भुगतान नहीं होता है तब तक कार्यालय के प्रधान लिपिक एवं विपत्र लिपिक का वेतन स्थगित रहेगा। बैठक में लोक शिकायत निवारण समेत कई कार्यों की समीक्षा भी की गई। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ, वृंदावन नगरी फेज 2, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200-250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से, स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ, वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में पिछले दिनों आग लगने से 20 मासूम की जान चली गई थी। आगे इस तरह की घटना से बचने के लिए भागलपुर के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने एक नया तरीका इजाद किया है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने अपने आवास पर डेमो के माध्यम से बताया कि 5 मंजिला मकान से पड़ोस के मकान की छत के बीच मात्र 3 मिनट 11 सेकेंड में सेतु बनाकर लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर अजय ने इस उपकरण का नाम डिफेट रखा है। डिफेट के जरिए कम समय में बहुमंजिला इमारत से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ यह पूछता हूँ कि सूरत की जो अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आग लगी, उसमें कई बच्चे या तो झुलस के मर गए या उससे छत से कूदने से जान चले गए, क्या उसके बारे में आपने सोचा कि फिर कभी आग लग जाए हमारे घर में, पड़ोसी के घर में, किसी ऑफिस में, तो क्या होगा? फिर कूदेंगे, फिर जान देंगे। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, मैं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी का हूं और हम लोग दुर्घटना पर काम करते हैं, इसलिए मैंने सोचना शुरू किया और सोचकर एक उपकरण मैंने तैयार किया। क्या है इसका सिद्धांत?
सिद्धांत यह है कि ऐसे स्थिति में जब नीचे आग लग गई और नीचे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो लोग छत पर भागते हैं, जैसा सूरत में हुआ, और छत पर जाने का रास्ता नहीं रहता है, फलस्वरूप लोग या तो कूद गए और या तो आग में झुलस गए। मैंने इसमें लोहे का दो उपकरण बनाया है और इसके सिद्धांत यह है कि कोई भी छत एक दूसरे से 5 फीट 10 फीट या 15 फीट की दूरी पर होती है और क्यों नहीं उसको छत से एक छत से दूसरे छत पर ट्रांसफर कर दिया जाए। कहलगांव विधायक सदानंद सिंह के द्वारा रविवार को सन्हौला वारी आदर्श इंटर स्तरीय विद्यालय परिसर में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। दावते इफ्तार के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर हाजी नजीर साहब, मुर्शिद आलम, शौकत अंसारी सहित सैकड़ों हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। शहर में बढ़ते दुर्घटना को लेकर सोमवार को भागलपुर मनाली चौक पर ऑल इंडिया सोशल क्राइम एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। संगठन की ओर से बिना हेलमेट चालकों को फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया गया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों को पालन करने का निवेदन किया। इस अवसर पर लगभग 500 वाहन चालकों को गुलाब फूल देकर हेलमेट का प्रयोग करने, यातायात नियम पालन करने सहित तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाने का आग्रह किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा, सुशील चंद्र चौधरी, सुरेश शर्मा, यातायात डीएसपी आरके झा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। आज हमारा प्रोग्राम है कि जो हेलमेट पहन करके नहीं चल रहे हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा जो है आपके हाथ में है। हेलमेट अगर पहनेंगे तो भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको हेलमेट बचाव करेगी, तो इस तरह से आपके परिवार की सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। इसके लिए हम लोग उनको अवेयर कर रहे हैं और एक गुलाब फूल के साथ सम्मानित कर रहे हैं। विभिन्न मामलों में फरार चल रहे अपराधी मोहम्मद सन्नी को नाथनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद सन्नी के पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच हाथापाई भी हुई। अपराधी मोहम्मद सन्नी ने पुलिस पर कई बार चाकू से हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मोहम्मद सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि मोहम्मद सन्नी पहले से भी बम कांड में जेल जा चुका है। 12वीं और मेडिकल की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को भागलपुर के टाउन हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह समर्पण और ग्लोबल बायोलॉजी क्लासेस के संयुक्त बैनर तले आयोजित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ यूक्रेन की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलिमा, आईडीए अध्यक्ष डॉक्टर विनोद, पूर्व महापौर डॉक्टर वीणा यादव, डॉक्टर अर्चना ठाकुर, डॉक्टर संध्या यादव, आरती कुमारी, डॉक्टर मनीष चंद्रा, डी के भारती एवं अन्य आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। समारोह 12वीं कक्षा के पास आउट हुए 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं एवं मेडिकल की परीक्षा में परचम लहराने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह, मेडल और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि इंसान को मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, साथ ही युवकों को मोबाइल फीविया से दूर रहने की सलाह दी गई। समारोह में डॉक्टर नितिन, डॉक्टर मीणा, सोनू कुमार, पूजा भारती समेत कई लोग मौजूद थे। 12 पास आउट कम से कम 25 प्लस स्टूडेंट्स होंगे, जो जिसका परसेंटेज मोर देन 80% है, 95% है, 94% भी है। ऐसे स्टूडेंट्स सबको सम्मानित किया जाएगा और साथ में जो मेडिकल कम्पीट किए हैं इस इंस्टीट्यूट से, उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। भागलपुर जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित 10 दिवसीय टेबल टेनिस समर कोचिंग कैंप का समापन रविवार की देर शाम को समारोह पूर्वक किया गया। मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित कोचिंग कैंप में कोच कृष्ण कुमार एवं विशेषज्ञों ने बच्चों को टेबल टेनिस का प्रशिक्षण दिया। भागलपुर से टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन की ओर से यह पहल की गई, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वट सावित्री पूजन को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह, वट वृक्ष में कच्चा धागा बांध पति के दीर्घायु होने की कामना। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार, पति के साथ रहने की जताई इच्छा। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भागलपुर से पहली बार रवाना हुई विक्रमशिला एक्सप्रेस, यात्रियों में दिखा उत्साह।
बांका के बौसी में नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव का हुआ नागरिक अभिनंदन, विकास को बताया प्राथमिकता। और भागलपुर के डीआरडीए सभागार में प्रधान लिपिकों की हुई समीक्षा बैठक, सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।